आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट, बट काऊ हमें देती है बहुत ही ओपी और रेयर आइटम, और इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल भी होने वाले हैं, जैसे अपने लिए एक प्यारा सा काशल बिल्ड करना और एंड में जाके एंडर ड्रैगन को बीट करना। तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे 100 डेज इन काऊ माता हमें देती है बहुत ही ओपी आइटम वाले वर्ल्ड में, ये जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ। तो डे वन को मैं हो चुका था स्पॉन एक आइलैंड पे, और मैं चला गया सीधा पेड़ काटने के लिए क्योंकि मुझे बनाने थे अपने लिए कुछ जरूरी टूल्स। तो चलते हैं, पेड़ काटते हैं, बनाते हैं अपने लिए टूल्स। तो यहाँ पे मेरे टूल बन चुके थे, मुझे एक सीप दिखा तो मैंने उसको मार दिया। क्या करे भाई, रात को भी तो जुगाड़ करना है ना, यहाँ पे सर्वाइव भी तो करना है ना। तो उससे मिलती है बेड। ओ भाई साहब, हमें मिल चुकी है हमारी एक पहली और काऊ, गौ माता हमें मिल चुकी है हमारी यहाँ पे। तो ये देखते हैं हमें क्या देता है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं गौ माता कुछ अच्छी चीज देना बस। अरे रुक जाओ भाई, रॉकेट, क्या ही करूँगा मैं इस रॉकेट का, इतना गुस्सा आ रहा ना भाई। चलो फिर गुस्से में मेरे को एक चिकन दिखा और मैंने उसको भी मार दिया। फिर मैं चला गया आगे की तरफ, और आगे की तरफ मेरे को दिखा एक सीप, जिससे कि भाई मैंने मारा और उसका ऊल भी ले लिया मैंने उसको। तो फूड का भी काम हो गया, ऊल का भी काम हो गया। उसके बाद मैं सीधा गया और मैंने कुछ लकड़ियां काटी अपने लिए। तो लकड़ियां काटने के बाद मैं जैसे वापस आ रहा था ना, मेरे को एक पिंक सा जानवर दिखा भाई। अरे भाई क्या है, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। तो मैंने उसको मार दिया। उसके बाद मैं थोड़ी देर आगे आया तो मुझे दिखी दो सीप। तो भाई अपना बेड का हो चुका था यहाँ पे जुगाड़, तो मैंने भाई इसको भी मार दिया, ये क्या करेगा अकेला यहाँ पे। तो चलो अब चलते और बनाते अपने लिए बेड। तो हमारा बेड बनके तैयार हो चुका है, अब चलते हैं भाई ढूंढते हैं गाय को। तो लाइट, यहाँ पे मेरे को दो गाय मिल चुकी है भाई, ये देखते हमें क्या देते हैं। क्या दिया भाई साहब, ब्लॉक ऑफ कोल। और ये क्या देती है भाई, भाई साहब एंशिएंट डेब्रिस और आयरन, ब्लॉक ऑफ आयरन। तो चलते फटाफट से, एक मेरे को और दिख चुके ऊपर। तो ये देखती है हमें क्या देती है, होप ये अच्छा ही कुछ दे मुझे। तो ये भाई, अरे रुक जाओ रुक जाओ, इन्होंने क्या दिया, एक एग दिया भाई। अब एग किस चीज़ से था वो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर रात हो चुकी है, तो लगाते हैं बेड भाई, अपना पहली रात जो है ना बहुत अच्छी जाने वाली है। तो भाई रात को मस्त सोने के बाद मेरे को एक गौ माता दिख चुकी थी, तो मैं गया उनसे कुछ सामान लेने के लिए। गाय माता कुछ बढ़िया सामान देना। अरे भाग क्यों रहे हो यार, भागो मत भाई। ब्लॉक ऑफ आयरन दिया इन्होंने और एंशिएंट डेब्रिस दिया है, एंशिएंट डेब्रिस दिया या तो फिर इन्होंने नेदरराइट का ब्लॉक दिया भाई, देखते एंशिएंट डेब्रिस था भाई साहब। तो मेरे पास एक एग आया था भाई, विंडिकेटर क्या चीज़ है भाई। तो भाई मैंने कर दी पागलपंती यहाँ पे, तो वो कैसे बताता हूँ। अरे भाई साहब मर गया, अरे भाई बचा लो कोई। अरे यार गलती कर दी भाई तेरे को स्पॉन करके। भाई अभी कोई सामान नहीं है मेरे पास, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। अबे रुक जा ना भाई, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। बेटे तूने गलती कर दी छिड़के तेरे को, अभी सामान लेने दे फिर देखा तो तेरे को भी, रुक जा बस, अभी पंगा मत लियो बस, अब आजा बेटे, अब नहीं छोड़ूंगा तेरे को, आजा बेटे, फालतू बोलेगा। हस्ते तू तो गया बेटे। और भाई फिर मैं उसको मार दिया। तो फिर मैंने भाई यहाँ पे काऊ दिखी मेरे को, तो मैं चला गया भाई उनसे लेने के लिए कुछ सामान। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे अपने लिए बनाए आर्मर, जो कि था भाई आयरन का। इतनी जल्दी भाई आयरन का आर्मर बन चुका है, तो मैंने सारे के सारे टूल्स और आर्मर अपने लिए बना दिए। तो अब हो चुका भाई मैं मस्त अपग्रेड ही यहाँ पे आयरन में। तो चलो जो गाय माता मेरे को दिखी थी उनसे कुछ सामान लेते हैं। अरे कहाँ क्या, आ जाओ ना, ये रही। क्या दिया भाई साहब, इंचांटेड मेरे को पैंट मिल चुकी है भाई साहब, नेदरराइट की प्रोटेक्शन अनब्रेकिंग। तो भाई मैंने फिर अभी आर्मर क्यों बनाया, मैंने समझ भी नहीं आया मेरे को यार, मतलब इससे पहले देते रहे मेरे को, तो मेरे को बनाने नहीं पड़ते। चलो एक और मिल चुकी है काऊ, तो
तो देखते हैं हमें क्या देती है, वो भी अच्छा ही दे। भाई डायमंड की चेस्ट प्लेट, वो भी इंचांटेड चेस्ट प्लेट, भाई क्या किस्मत है भाई। देखो अभी मैंने आर्मर बनाया और अभी के अभी मेरे को इंचांटेड भाई आर्मर मिल रहा है। देखो यहाँ पे यार, ये तो गलत बात है यार, ये तो पोशन है ना फायर रेजिस्टेंस का। चलो ये नेदर में जाने का काम आएगा। तो चलो गाइस ढूंढते और काऊ को और लेते उनसे कुछ ओपी से सामान। लेकिन भाई अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत बेकार जगह में मैंने यहाँ पे बेड लगाया था। मुझे चाहिए एक विलेज जहाँ पे ना मैं अपना सेटअप कर सकूँ एक। तो चलो भाई आगे आते हैं। मेरे को मिल चुके थे एक काऊ जिनको मैंने मारा, लेकिन मेरे को कुछ ना ये व्हाइट टाइप का दिखा भाई। इसको मेरे को पता नहीं है क्या चीज़ है, आपको पता तो मेरे को कमेंट करके बताना। चलो एक और मिल चुकी है भाई, नेदरराइट का हेलमेट, वो भी इंचांटेड भाई। इसमें ब्लास्ट प्रोटेक्शन लगा हुआ है, देखो क्या किस्मत है भाई। तो मेरे पास हो चुके दो नेदरराइट का, एक डायमंड का और एक आयरन का। भाई क्या बढ़िया चीज़ है भाई, एक और कॉम मिल चुके भाई, डबल है। तो अरे यार ये चीज़ नहीं चाहिए मेरे को भाई। अब यार कूड़ा दे रहे हैं यार ये लोग ना। ओ इंचांटिंग बोतल मिल चुकी है भाई, क्या दे रहे हो। अरे यार रॉकेट नहीं चाहिए भाई, कुछ बढ़िया दो ना मेरे को, डायमंड दो भाई डायमंड। अब मेरे पास स्टोरेज ही नहीं है, इसको हटाते भाई। अंडरपल भाई, मतलब एंड जाने की भी जरूरत नहीं मेरे को अब। तो चलो भाई सीधा चलते आगे की तरफ। एक और मिल चुका है भाई, यहाँ पे मेरे को क्रॉसबो मिला, वो भी इंचांटेड क्रॉसबो, क्या किस्मत है यार। इसको फटाफट से हटाते हैं, क्रॉसबो लेते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो क्रॉसबो मिल चुका मेरे को, वो भी इंचांटेड क्रॉसबो है भाई। ये भी हटाते हैं, ये कुछ ग्लो करता है ना। तो चलो सीधा चलते हैं, एक और मिल चुकी है भाई साहब। शॉट मिली है लेकिन वो भी इंचांटेड नेदरराइट की शॉट, क्या किस्मत है। ओ भाई साहब क्या इसमें वो लगा हुआ है, प्रोटेक्शन लगा हुआ है, देखो क्या ही भाई साहब। नॉक बैक टू लगा हुआ है इसमें और एक और चीज़ लगा है। तो सीधा एक और मिल चुका है यहाँ पे। अरे यार ये नहीं चाहिए भाई। तो चलो चलते सीधा आगे की तरफ और होप करते हमें विलेज मिल जाए यहाँ पे। भाई साहब विलेज मिल गया मेरे को, क्या किस्मत है यार। थोड़ा सा आगे यार मेरे विलेज के, मैंने बोले था कि विलेज मिल जाए लेकिन विलेज मिल चुका था। तो चलते सीधा विलेज में और लूटपाट करते हैं विलेज को। भाई विलेज लूटपाट करने के बाद मेरे को यहाँ पे काफ़ी काऊ मिल चुकी थी, तो मैंने उनको ब्रीड किया और उसके बाद मैं उनसे लेने वाला था बहुत ही ओपी आइटम। तो फिर मैं लग जाता अपने काम पे भाई। तो फिर यहाँ पे जितने मैंने काऊ को बड़ा किया था भाई, उनको मैंने ले लिया उनसे कुछ ओपी ओपी आइटम। ये बच्चे को मैंने कुछ घास फूस दिया और उसको मैंने बड़ा कर दिया। उसके बाद मैं चला गया और काऊ को ढूंढने के लिए। लेकिन जो मेरे को एक अभी ये शॉट मिली थी ना भाई, ये बहुत बेकार थी। देखो ये सिर्फ मेरे को कुकड दे रही थी भाई, बाकी कुछ रेयर आइटम दे रही थी, मैंने उसको चेंज कर दिया पुराने वाली पे आ गया। अब देखते हैं हमें क्या देता है भाई। डायमंड की चेस्ट प्लेट दिया, वो भी इंचांटेड जो कि मेरे पास थी। लेकिन इस पे ओ भाई क्या प्रोटेक्शन लगी हुई इस पे भाई, इससे तो बढ़िया लगी हुई। इस पे फायर है, ये नेदर में जाने का काम आएगा, लेकिन इससे भाई यहाँ पे ले लेते हैं। तो चलो गाइस उसके बाद मैंने एक काऊ को मारा, उन्होंने मेरे को क्या दिया देखो भाई साहब, नेदरराइट के इंचांटेड बूट मिला मेरे को, जिस पे काफ़ी बढ़िया इंचांटमेंट लगी हुई थी और एक गोल्ड का ब्लॉक मिला। उसके बाद मैं आगे चौका था आगे, और इस काऊ से तो मेरे को भाई ब्लॉक ऑफ एमरल्ड मिल चुके थे पूरे के पूरे, तीन तीन ब्लॉक भाई। आप क्या देने वाले हो। अरे यार कुछ बढ़िया नहीं दिया। ओ ऑब्सिडियन ब्लॉक और इंचांटिंग टेबल भाई, क्या मस्त चीज़ मिली है ना। चलो उसके बाद मैं आगे आया और मेरे को यहाँ पे क्या मिला भाई साहब, देख रहे हो भाई, नेदरराइट इंगट मिल चुकी है मेरे को और एक बुक मिली है, लेकिन बुक मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि मैं इंचांट तो करने नहीं वाला। उसके बाद मैं सीधा आया यहाँ पे, मेरे को मिल चुका था भाई यहाँ पे एक पिकैक्स, जिसमें भाई काफ़ी अच्छी इंचांटमेंट लगी हुई थी, देख रहे हो भाई साहब क्या फटाफट तोड़ रहा हूँ मैं। तो दो मिनट दो मेरे को, मैं स्टोन तोड़ के आपको मिलता हूँ।
राइट गाइड। मैंने यहाँ से काफी सारे स्टोन तोड़ा और उसको स्मेल्टिंग होने के लिए रख दिया, क्योंकि अब मैं बनाने वाला हूँ भाई अपने लिए कासल बनाना मुझे ना, तो उसके लिए मुझे चाहिए काफी सारा स्टोन चाहिए, तो इसलिए मैंने किया। अब मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेशन कर लेता हूँ, ये मेरा अंडरग्राउंड बेस होने वाला है, तो कुछ इस तरह से भाई यहाँ पे ना सामान रख सकता हूँ या कुछ भी रख सकता हूँ मैं, तो इसको थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं अभी के लिए। ये टेम्परेरी होने वाला मेरा बेस, लेकिन अपने लिए तो भाई एपिक से बनाऊंगा। तो चलो गाइज, यहाँ पे मेरे पास जितने भी स्टोन थे ना वो आई थिंक इसमें हो चुके, अब फटाफट से रखते हैं यहाँ पे भाई वो बनाना है मेरे को स्टोन कटर, और उसके बाद मैंने इसको बनाना है भाई स्टोन सर को बनाना है मेरे को। अरे यार गलती कर दिया, मेरे को ना ये कुछ चाहिए मतलब पॉलिश वाली जो होती है ना स्टेट्स, और पॉलिश वाला ब्लॉक चाहिए मेरे को थोड़ा लुक चेंज करने के लिए ना, तो मैं तो निकालता हूँ इससे। तो कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ आपको, इसको तोड़ूँ पहले? तो चलो गाइस, अब देखो यहाँ पर रात होने वाली है, पहले सोते हैं फिर बताता हूँ आपको कैसे बनता है पॉलिश वाली। तो वो बनता है एक नॉर्मल कॉबल स्टोन से और एक एन क्या बोलते हैं इसको इससे। तो ये देखो गाइस ये बन चुका है ना, तो अब इसको फटाफट से निकालते हैं और बनाते हैं अपने लिए स्टेट्स और ब्लॉक ऑफ। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे भाई यहाँ पे बना लिया, ये देखो गाइस तो इस तरह से पॉलिश वाला बनता है इससे। तो ये सारा सारा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। चलो चलो गाइस, तो मैं आ चुका था वहाँ से बाहर, अब मेरे को चाहिए थे कुछ लकड़ियाँ, तो दो मिनट दो मैं लकड़ियाँ तोड़ के आपको मिलता हूँ। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. तो भाई साहब इसको तोड़ने के बाद मैं आ चुका था अपने विलेज में, अब मुझे चाहिए थी अपने कासल के लिए एक फ्लैट सी जगह, तो भाई मुझे ये जगह ना सबसे बेस्ट लगी। तो अब यहाँ से ना डर्ट को तोड़ना शुरू करते हैं और बनाते हैं अपने लिए जगह। तो आप थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, मैं इसको तोड़ के ना आपको मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। तो भाई यहाँ पे काम करते करते हो चुकी थी रात, फिर मैं सीधा आया एक ब्लेचर के घर में, और भाई साहब इसको देखो क्या चैन की नींद सो रहा है, अब उठ जा भाई थका हुआ हूँ सोने दे थोड़ा सा। फिर मैं उसके बेड पे सो गया भाई, काफ़ी अच्छी नींद आने के बाद भाई मैं बाहर निकला, और भाई मुँह पे दरवाज़ा बंद कर देते ये लोग यार, ये तो गलत बात है यार। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या बनाने वाला हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, पाँच इधर और पाँच इधर करेंगे हम, उसके बाद पाँच हम इधर करेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ना आठ ब्लॉक आगे खींचेंगे लाइन को, यहाँ पे आठ, मुझे सेम आठ ब्लॉक का हम इधर खींचेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो चुका है हमारा, और उसके बाद मैं यहाँ से पांच ब्लॉक खींचूँगा और तीन तीन करके फिर उनको आपस में हम इस तरह से जोड़ेंगे हम। तो ये हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा ओवर का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ये वाला। तो चलो गाइस अब शुरू करते हैं अपने घर बनाने का काम। तो गाइस काफ़ी मेहनत के बाद मेरा घर हो चुका था भाई, मेरा कासल हो चुका था बोल्ड बन के तैयार। तो क्या आप लोग तैयार हो मेरे देखने के लिए? तो चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, रेडी? तो ये देखो गाइस, ये रहा मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा कासल। आप इसको कितनी रेटिंग देंगे 10 में से वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। तो
तो चलो गाइस, अब मैं देता हूँ छोटा सा टूर आप लोगों को। तो अगर मैं सीधा यहाँ से आता हूँ तो ये हो जाता है मेरा स्टोरेज एरिया, जो कि कुछ इस तरह से हो गया। उसके बाद इसको बंद करने के बाद बाहर आते हैं तो यहाँ पे मेरा पर्सनल फार्म हो गया, ये फूड फार्म हो गया, जहाँ से मैं अपने लिए फूड का इंतजाम कर सकता हूँ। वैसे तो कमी नहीं होने वाली, बट फिर भी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पर मैं कुछ करने वाला हूँ आगे चल के, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद ये हो जाता है मेरा भाई बेडरूम। अगर बेडरूम से मैं सीधा बाहर आता हूँ तो यहाँ पे भाई मेरे लिए यहाँ पर कुछ जगह सी दिख जाती है कुछ इस तरह से, ताकि मैं अपने विलेज और आसपास में क्या क्या हो रहा है उसको देख सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं टॉप फ्लोर पे चलता हूँ तो यहाँ पे है मेरा भाई इंचेंटिंग रूम, जहाँ से मैं अपने आर्मर अपने टूल्स को इंचेंट कर सकता हूँ। तो चलो, ज़रूरत तो नहीं है बट बना दिया मैंने फिर भी। उसके बाद मैं टॉप फ्लोर पर आता हूँ तो भाई ये हो गया हमारा काशल का टॉप फ्लोर, जहाँ से पूरा ओवरव्यू दिखता है, विलेज का दिखता है। और इधर ये देखो गाइस, क्या बढ़िया व्यू आता है यहाँ से, तो यहाँ से मैं पूरे विलेज पे नज़र रख सकता हूँ। तो चलो अब सीधा चलते हैं भाई यहाँ से, कुछ लेते काउ वगैरह को, कुछ आइटम और लेना है मुझे, तो देखते हैं क्या देते हैं हमें। आ जाओ भाई, भाई जस्ट प्लेट दिया इन्होंने तो, ओ भाई नेदर राइट के इंगेट से दिया भाई। तो चलो अब मुझे बनाना अपने लिए एक क्या बनाना है मेरे को, अब मुझे बनाना अपने लिए एक नेदर पोर्टल। अब मैं नेदर में जाने की तैयारी करता हूँ भाई, चलो तो ढूंढते सामान और बनाते हैं नेदर पोर्टल। उसके बाद मैंने एक पोशन मिला मेरे को भाई, तो मैंने उसको अपने ऊपर मार दिया। ओह भाई ये तो स्पीड का पोशन है भाई साहब, क्या स्पीड मिली है इससे तो। अरे भाई तुम क्या देने वाले हो, कुछ बढ़िया से देना भाई। क्या दिया यार, कुछ तो पोशन वगैरह खाना था। तो चलो भाई, ऑब्सीडियन कहाँ रखे मैंने यार, ढूंढने पड़ेंगे ऑब्सीडियन ना। ओ ये रे भाई ऑब्सीडियन, तो चलो मिल चुके मेरे को ऑब्सीडियन। अब फटाफट चलते हैं और बनाते अपने लिए बढ़िया से नेदर पोर्टल। Over the edge, feel like I'm floating through the air. भाई ये नेदर पोर्टल जो मैंने बनाया, इसको मैंने एक्टिवेट किया, ये कहाँ एक्टिवेट होता है ना, आप भी हैरान हो जाओगे देख के। तो चलो गाइस, ये हो चुका है रेडी, अब जाने की नेदर में जाने की तैयारी करते हैं और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलता है। एपिक्स जगह पे होता है भाई साहब, ऐसा शायद ही किसी का हुआ होगा जैसा आज मेरा होता है नेदर पोर्टल एक्टिवेट। तो चलो ऑल राइट गाइस, भाई साहब सीधा मेरा देखो, ओ भाई साहब फोर्ट्रेस में जाके। तो भाई आप दो मिनट दो और देखो हमारा फाइट देखो यहाँ पे।
तो भाई इतना प्यारा सा फाइट लेने के बाद, प्यारा ने बड़ी में भाई काफ़ी एफिक से फाइट थी, मैं सीधा आ गया था अपने विलेज में। और उसके बाद भाई वहाँ से मैं लेके आया था नैदर बॉट्स। तो मैंने बोला था ना आपको एक मैंने खाली क्यों छोड़ा हुआ है, तो मैं बताता हूँ आपको मैंने क्यों छोड़ा था खाली। वैसे मेरा प्लान तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक चीज़ कर दिया जाए। तो देखो मैं वहाँ से लाया था सोल सैंड, सोल सैंड है ना, हाँ सोल सैंड है। तो मैंने उसको लगा यहाँ पे और उसके ऊपर रख दिया नैदर बॉट, ताकि भाई ये काफ़ी प्यारा सा लुक देगा यहाँ पे। उसके बाद मैंने सारे सारे नैदर बॉट जो है ना ऐसे करके यहाँ पे लगा दिया। तो गाइज काफ़ी देर डेकोरेशन करने के बाद मैंने अपने लिए एक अंडरग्राउंड बेस भी बनाया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने कास्टल में क्या क्या अपग्रेड किया है। तो सीधा जैसे कुछ जैसे आप अंदर आते हो, क्या मस्त लग रहा है ना नैदर पोर्ट यहाँ पे। यहाँ पे मैंने पूरा पूरा नैदर पोर्ट लगाया था जो कि उग चुका था। उसके बाद भाई सीधा चलते ऊपर देखो, टेरिस पे देखो, मैंने टेरिस पे भी नैदर पोर्ट लगा दिया यहाँ पे, भाई क्या मस्त लग रहा है। तो चलो सीधा चलते नीचे की तरफ, इसको बंद कर देते पहले। अबे चलना भाई नीचे। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ भाई आपको अपना सेकंड बेस जो कि है भाई अंडरग्राउंड। तो चलो तैयार हो भाई देखने के लिए। इसको आप 10 में से कितने नंबर देंगे वो मेरे को कमेंट करना। चलो गाइस तो रेडी हो, तो यही देखो गाइस, टन 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 टन। ये भाई कुछ इस तरह से माने एपिक से। मैंने बोला था ना यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ रखूँगा, तो मैंने यहाँ पर सारे नैदर पोर्ट रख दिया। उसके बाद अब बारी आती है भाई सीधा एंड पोर्टल में जाने की और अंडर ड्रैगन को बीट करने की। तो चलो ढूंढते अपने लिए किधर मिलेगा। अब मैं नेदर जाने के लिए सारा का सारा सामान का प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ, नेदर बोल रहा हूँ मैं एंड पोर्टल का। तो चलो भाई अब अंडर ड्रैगन की बारी है उसको खात्मा करने की। तो ये भाई इस तरफ को है ना, चलो अब मैं मिलता हूँ सीधा आपको एंड पोर्टल पे। तो भाई मैं आ चुका था काफ़ी दूर, मेरे को मिल चुका था भाई एंड भाई नहीं है, ओ भाई मिल गया भाई। देखो किस्मत हो तो ऐसी हो भाई, सामने आया मेरे को एंड पोर्टल मिल चुका भाई साहब। तो पहले इसको सिल्वर फिक वो तोड़ते हैं, वो है तो नहीं ना, नहीं भाई। चलो अब इसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे भाई, क्या साउंड आता ना डो 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 डो। चलो गाइस ये हो चुका एक्टिवेट, मारते जंप चलते एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए। तो राइट गाइड में आ चुका था एंड वो ड्रैगन को बीट करने के लिए। फटाफट से यहाँ से ऊपर का रास्ता बनाते और चलते ऊपर की तरफ भाई। वैसे तो मैं फुली प्रोटेक्ट हूँ, बट फिर भी देखते हैं हम उसको बीट कर पाते कि नहीं कर पाते। ओ भाई यहीं पर ना, तो रुको भाई सबसे पहले चलते हैं और अपने लिए हेल्थफुल करके आते हैं। अपने पास एक इंजेंटिंग वो भी है ना, उसको भी ले लेते हैं भाई, इसको जरूरत नहीं है। हाँ ये रहा ना इंजेंटिंग। चलो एप्पल खाते और एक फायर का वो लगा देते हैं भाई, ताकि हमें कोई मारे नहीं यहाँ पे। तो अब देखो मेरे एंडर ड्रैगन के साथ फाइट। तो भाई यहाँ पे अंडर ड्रैगन की हेल्थ काफ़ी हुई, भाई मैंने अंडर ड्रैगन को मार दिया और इसके साथ मैंने कर दिया अपने वर्ल्ड को अंडर ड्रैगन से आज़ाद। तो चलो गाइस अब जितनी भी इसकी एक्सपी यहाँ पे गिरी हुई है, सारे के सारे एक्सपी लेते हैं और चुराते हैं इसका एग यहाँ से। भाई क्या फाइट हुई यहाँ पे। एक बार तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई गया मैं, क्योंकि दो तीन अंडर ड्रैगन मेरे पीछे पड़ चुके थे। लेकिन अपने पास गोल्डन एप्पल था तो कोई दिक्कत तो थी नहीं। अब भाई टॉर्चेज लेनी है मेरे पास, वो लकड़ी तो है ना मेरे पास। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से टॉर्च उठाते हैं और चुराते हैं इसका एग। कहाँ गया, कहीं तो गया भाई, ये रहा भाई यहाँ पे। चलो भाई अब लेते हैं और देखते हैं भाई, वो यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। तो ये ले लिया भाई हमने अंडर ड्रैगन का एग। अब सीधा चलते हैं भाई अपने ओवर द वर्ल्ड में। चलो किधर से जाना है भाई, ये क्या चीज़ है सामने भाई। भाई देखो लालच होती है बहुत बुरी चीज़। मैं जैसे ही इसकी तरफ आगे को बढ़ा और देखो मेरे साथ क्या होता है भाई। इसलिए बोलते हैं भाई कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो भाई ये है क्या चीज़, वैसे पता नहीं क्या ही चीज़ थी। और भाई मेरे को एक अंडरमैन ने
हिट किया और मैं सीधा चला गया ओवर द वर्ल्ड में, और मेरी जर्नी यहीं पे समाप्त हो गई।